सरकार के फंड से लाला के बनवाई मैंने सारी गलियां। तो एमसीडी में बीजेपी के काम से तो कोई है गवाह नहीं दिख रहा कि जी बीजेपी ने कोई काम किया हो एमसीडी में जिससे किसी को पर्सनली फायदा हुआ हो, जिससे किसी की फैमिली को ये लगा हो भाई अच्छा हमारी फैमिली में ये फायदा इससे हो गया। आपने तीन बार चुन के भेजा, अभी 7 साल से तो सरकार चल रही है निर्बाध वाली, तो केजरीवाल सरकार से कोई फायदा हुआ आपको? किस किस को फायदा हुआ इधर बताओ, सारे हाथ उठा रहे हैं इधर, सारे उठा रहे हैं इधर, सब उठा रहे हैं। किसको देखो सारे फायदा उठा रहे, क्या फायदा हुआ आपको? देखो अपना भी तो बहुत खुश है भाई, बोली तीर्थ यात्रा करानी दवाइयों का खर्चा नहीं है, मैं हॉस्पिटल या कहीं जाती हूँ तो बस का किराया भी नहीं, तीर्थ यात्रा करके आ गई, बहुत बढ़िया तीर्थ यात्रा भी करके आ गई, आशीर्वाद देना अपने बच्चों को। और क्या फायदा हुआ ऐसे बता दो, हिंसा बैठे बैठे साइड हो जा, बोलो क्या फायदा हुआ? दवाई का फायदा हुआ, मोहल्ला क्लिनिक से फायदा हुआ इनको, केजरीवाल सरकार की मोहल्ला क्लिनिक से खूब लोगों को फायदा हुआ है। और किसको क्या फायदा हुआ बताओ जरा, केजरीवाल सरकार के काम से पानी बिजली सब कुछ फायदा हुआ, स्कूल में बच्चों की शिक्षा शानदार हो गई, सहमत है? किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? ये देखो इधर भी पढ़ते हैं, खुश है सारे पेरेंट, बच्चे खुश हैं, पढ़ाई बढ़िया हो रही है, पढ़ाई बच्चों की बढ़िया हो रही है, सरकारी स्कूलों में अच्छे स्कूल हो गए, बिल्डिंग शानदार हो गई, इतना काम किया है देखो सरकारी स्कूल में। अभी बिजली का बोला, किसने बोला बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं? किस किस के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं? देखो यहाँ भी सबके आ रहे हैं, केजरीवाल जी की सरकार की वजह से स्कूल में फायदा हो गया, अस्पतालों में फायदा हो गया, तीर्थ यात्रा में फायदा हो गया, बिजली के बिल सबके जीरो आ रहे हैं चारों तरफ, वहां ऊपर वाले भी हाथ उठा रहे हैं जी हाँ जीरो आ गए। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, मैं जब भी यहाँ मोहल्लों में जाता था तो राजनीति के चक्कर में कह ही देते हैं कई बीजेपी के लोग मिलते थे, अब तो मैं भी यहाँ 7 साल पुराना हो गया, 8 साल पुराना हो गया, अब तो जान पहचान हो गई बहुत अच्छी, सबसे बीजेपी वालों से भी ठीक ठाक दोस्ती है, सम्मान से बात करते हैं। सारे बीजेपी वाले मेरे को कहते थे अपनी पार्टी के चक्कर में, मनीष जी फ्री बिजली बंद करा दो, हमें फ्री नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों है, जनता को फ्री मिल रही है, जीरो बिजली के बिल आ रहे हैं, महंगी बिजली क्यों चाहिए? नहीं नहीं हम पे कर सकते हैं, हम पे कैपेसिटी वाले लोग हैं, हमारे घर में गरीब नहीं है, हमको तुमने भिखारी बना रखा है, हमको बिजली के बिल नहीं चाहिए फ्री। मेरे को बीजेपी वाले सारे कहते थे, जहां भी मिलते थे रास्ते में, किसी जागरण में मिल गए, किसी काम में मिल गए, शादी ब्याह में मिल गए, गली मोहल्ले में मिल गए, बीजेपी वाले कहते थे हमको फ्री नहीं चाहिए, हमको फ्री नहीं चाहिए। तो मैंने केजरीवाल जी को जाके बताया कि बीजेपी वाले कहते घूम रहे गलियों में कि हमको फ्री नहीं चाहिए, केजरीवाल जी सर बोले कि ठीक है फिर फ्री वाला बंद कर देते हैं इनका, बोले जिस जो अप्लाई करेगा उसका फ्री होगा। केजरीवाल जी ने नया नियम बनाया कि फ्री बिजली उसको मिलेगी, जीरो बिजली के बिल उसी को आएंगे जो अप्लाई करेगा। तो मैं पटपड़गंज का सिस्टम देख रहा था, जिस दिन केजरीवाल जी ने अनाउंस किया कि बिजली के बिल जीरो उसी को मिलेंगे जो अप्लाई करेगा ऑनलाइन, और जिस दिन फ्री बिजली की ऑनलाइन एप्लीकेशन खुली, रिकॉर्ड है मेरे पास में, नाम नोट करके रखे हुए हैं मैंने, 300 एप्लीकेशन आई पहले दिन, और 300 में से 250 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने डाली थी पटपड़गंज वाले, हमारे कार्यकर्ता तो पीछे रह गए उसमें थोड़े, उनको लगा केजरीवाल जी की स्कीम में फायदा मिल ही जाएगा, बीजेपी वालों को लगा यार इसको चिढ़ाया बहुत है हमने कि फ्री नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए, कहीं सच में ही ना मिले। 300 एप्लीकेशन आई पहले दिन, और मैं भी देखना चाहता था ना ये सारे जो मैं गली मोहल्ले में कहते हैं फ्री नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए, वाकई फ्री में चलनी चाहिए या राजनीति में कह रहे हैं। पहले दिन 300 एप्लीकेशन जो पटपड़गंज विधानसभा के लोगों ने डाली फ्री एप्लीकेशन, फ्री बिजली बिल की, उसमें से 300 में से 250 बीजेपी वालों की एप्लीकेशन थी। तो ये बीजेपी वाले नौटंकी करते हैं, फ्री नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए, जब फ्री बढ़ता है तो सबसे पहले जाके लूट के ले जाते हैं।
तो इनके झांसे में मत रहना, ये इसी तरह की हवा बनाते हैं, फ्री नीचे है, रेवड़ी नीचे है, इनका नेता भी ऐसे ही कहता है, ये भी ऐसे ही कहते हैं। फ्री बिजली का फिल्म का फायदा मिला कि नहीं मिला? सबको मिला। तो देखो स्कूल अच्छे हो गए, दवाइयां अस्पतालों में मिलने लगी, अस्पताल अच्छे हो गए, बिजली के बिल जीरो हो गए, तीर्थ यात्रा हो गई, सारी चीजें हो गई, महिलाओं के लिए बसें फ्री हो गई, इतने सारे फायदे, सीसीटीवी लग गए यहाँ पे, वाईफाई लग गया यहाँ पे, इतने सारे काम केजरीवाल जी की सरकार ने किए जब आपने मुझे एमएलए की जिम्मेदारी दी। ये कूड़ा उठाना मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये एमसीडी की जिम्मेदारी थी। मेरा मन है कि पटपड़गंज विधानसभा की एक एक सड़क इतनी शानदार दिखे, यहाँ किसी को गंदगी दिखे ही ना, मैं खुद खड़े होकर साफ कराऊंगा, बस एक बार केजरीवाल जी की पार्षद इस बार बनवा दो एक बार, क्योंकि अब की बार केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है एमसीडी में, एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार होगी और यहाँ पे पार्षद अगर बीजेपी की हुई तो रोज लड़ेगी मेरे से, काम नहीं करने देगी, रोज लड़ेगी मेरे से, यहाँ पे एक दिन सफाई नहीं करने देगी, गली नहीं बनाने देगी। मुझे तो पता है एमसीडी की गलियां, आप सोचो एमसीडी की गलियां, हेलो, आप सोचो गलियां एमसीडी की, ये वाली अंदर वाली एमसीडी वालों ने बनाई नहीं। जब मैंने कहा भाई मैं बनवा देता हूं तो एमसीडी वालों ने कहा पहले एमसीडी से परमिशन लो उसके बाद बनवाओगे। और जब मैं दिल्ली सरकार से फंड लाया तो एमसीडी 5% कमीशन लेती है अपनी गलियां बनवाने के लिए, मतलब मैं दिल्ली सरकार से 10 लाख रुपए लेके आऊं तो उसमें से 5% पहले ऑफिशियली एमसीडी वाले काटते हैं, उसके बाद यहां गलियां बनवाते हैं एमसीडी की गलियां बनवाने के लिए, ये इनका सिस्टम है। इस बार आप एमसीडी में भी केजरीवाल जी की सरकार आ रही है, एक एक पार्षद केजरीवाल जी का बनने वाला है यहां पे। अगर पार्षद गलती से बीजेपी की बन गई फिर मेरे को मत कहना जी कूड़ा नहीं उठ रहा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा लेकिन उठ नहीं पाएगा क्योंकि इनकी राजनीति चलती है काम रुकवाने में। मैं आपको यहीं का उदाहरण बता देता हूं, सबको पता है वैसे, मुझे बताने की क्या जरूरत है। यहां हमने एक बारात घर बनवाया था, तालाब चौक पे शुरू करवाया था, शिलान्यास हो गया था, पहली ईंट रख दी थी लेकिन, और सारी जनता मांग रही थी मुझे चंद्र विहार, रेल विहार, मडावली, तालाब चौक, सारे सारे गांव की, इधर इधर सब इलाके की जनता कहती थी बारात घर बनवा दो, बड़े महंगे महंगे करने पड़ते हैं हायर, बच्चों का जन्मदिन हो, छोटी मोटी शादी ब्याह की कोई फंक्शन हो। हमने बारात घर एलजी से लड़ लड़ के जमीन अप्रूव करवाई, पैसा अप्रूव कराया, शिलान्यास कराया टेंडर करने के बाद में, लेकिन बीजेपी वालों को लगा कि अगर यहाँ बारात घर बन गया तो फिर लोग तो मनीष सिसोदिया को वोट करेंगे, हमको कौन करेगा, इसलिए इस तुच्छी राजनीति में इन्होंने बारात घर रुकवा दिया यहाँ पे, इस तुच्छी राजनीति में ऐसी राजनीति करते हैं ये लोग। अभी भी 8 MLA हैं बीजेपी के चारों तरफ पूरी दिल्ली में, आपको पता है 8 MLA हैं, आठों के आठों अपनी गली में काम नहीं करने देते, अपने मोहल्लों में सीसीटीवी लगवाती है सरकार, सीसीटीवी नहीं लगने देते। वहां पे मैं मोहल्ला क्लिनिक बनवाने जाता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक ही नहीं बनने देते। मैं वहां पे स्कूल बनवाने गया एक विधानसभा में बीजेपी वाले की, तो वहां मेरे से 30 गुंडे लेकर लड़ने पहुंच गया, मेरे विधानसभा में स्कूल कैसे बनवा सकते हो। तो एक बार मैं विधानसभा में इन आठों से पूछ रहा था, मैंने कहा तुम इतना लड़ते क्यों हो, तुम्हारी मोहल्ले में काम हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक बने, सीसीटीवी लगे, तो तुम्हारे मोहल्ले का तो काम है, तो समझना इस चीज को, बीजेपी की राजनीति को, वही मैं बात कर रहा हूँ। ये बीजेपी वालों ने मुझे बताया, मिलेज ने बोले मनीष जी आप हमारी विधानसभा में आओगे, मोहल्ला क्लिनिक बनवा के चले जाओगे, लोग वहां पे इलाज कराएंगे, तो जो इलाज आपका आपके यहाँ कराएगा जैसे अभी कह रही थी, तो वो तो आपसे खुश होंगे, हमसे थोड़ी खुश होंगे, फिर हम आपके काम क्यों होने दें, आपकी गली क्यों बनने दें, आपके सीसीटीवी क्यों लगने दें, क्योंकि जहां जहां आप काम करा दोगे वहां लोग केजरीवाल के गुण गाएंगे, हमारे थोड़ी गाएंगे, हमको तो तब वोट करेंगे जब आप काम करने नहीं दोगे, हम आपको काम नहीं करने देंगे, आप अगर हमारे मोहल्ले में आके काम करके चले गए तो आपका तो नाम होएगा, हमारे बारे में कौन पूछेगा फिर। ये इनकी राजनीति है, इस राजनीति को समझ के इस बार यहां से बीजेपी की पार्षद को नहीं जीतने देना, नहीं तो कूड़ा नहीं उठ पाएगा, गलियां नहीं बन पाएंगी, सड़क नहीं बन पाएगी, काम नहीं हो पाएंगे सारे जो एमसीडी वाले हैं। मैं तो एक एक चीज सोच के बैठा हूं कैसे यहां से यहां तक काम होना है, मेरी अपनी विधानसभा है, एक एक चीज करवाऊंगा, लेकिन करवा तभी पाऊंगा जब पार्षद समुदाय भवन से लेके जो रुकवा दिया उस समुदाय भवन को भी बनाएंगे, बारात घर को भी बनवाएंगे, सारे काम करवाएंगे, लेकिन तभी। तैयार है सब?
सब तैयार है इधर रीना जी को केजरीवाल की पार्षद के रूप में चुनने के लिए, चुनवाने के लिए। बहुत बढ़िया, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद।